नमस्कार आप देख रहे हैं सच सबसे तेज और मैं हूं इकबाल परवेज आपने जो वीडियो के कुछ छोटे छोटे भाग देखे इसका पूरा भाग मैं आगे, आगे आपको दिखाने वाला हूं जिसको देखने के बाद आप भी ये समझ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता कितनी बेकरार है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कितनी बेकरार है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और तो और ये जनता इतनी निडर है कि भारतीय जनता पार्टी के मंच के सामने ही खड़ी होकर मुर्दाबाद के नारे लगा रही है ये जनता इतनी निडर हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की रैली गुजरती हुई रैली में अखिलेश यादव को जिताने की बात कर रही है वो भी चिल्ला चिल्ला कर चुकी है मतलब आप समझ जाएंगे इन वीडियो को देखने के बाद कि वाकई में योगी आदित्यनाथ की सरकार तो गई बाबा तो गयो सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो वहां पर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है भारतीय जनता पार्टी के पार्टी के द्वारा जहां उनके नेता जो है सो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और घूम घूम कर अपने चुनाव का प्रचार कर रहे हैं और कई नेता मौजूद हैं।, हैं और जो मंच से चिल्ला चिल्ला कर, कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद तो नीचे से आवाज आ रही है उसी मंच के नीचे जो लोग खड़े हुए हैं वो आवाज लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद ये अपने आप में एक बड़ी बात है और अपने आप में एक बड़ा ही दृश्य है जो जिसको देखिए ट्वीट किया है मनीष जगन अग्रवाल ने उन्होंने लिखा है जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद तो खिचड़ी हो गई भाई ये वीडियो गौतम बुद्ध नगर यूपी में भाजपा की जनविश्वास यात्रा का है हाल देखिए जनता में आक्रोश देखिए जनता तैयार बैठी है भाजपा को सबक सिखाने के लिए जी हाँ बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जनता अब तैयार हो चुकी है निडर हो चुकी है बेखौफ हो चुकी है योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए और सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो में आप यह भी देखेंगे कि जब नीचे से मुर्दाबाद के नारे लगने लगे तो फिर वहां पर इतना गुस्सा हुआ कि कुछ नेता जो है सो मंच भी चले या उन्हें वहां से हटा दिया गया कि भैया यहां पर जो है सो जनता में गुस्सा भर, भर चुका है अब आप इस वीडियो को देखिए तो देख लिया आपने ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में कि वहां की जनता अब इन्हें देखना ही नहीं चाह रही है और ये हालत तो इतनी बुरी हो चुकी है कि जो इनकी रैली में आ रहे हैं वही इनके सामने खड़े होकर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं अब हम आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहे हैं यह वीडियो भी भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ा हुआ है जी जहां भारतीय जनता पार्टी की रैली निकली है उनके जो है मोटरसाइकिल पर सैकड़ों हजारों लोगों की रैली निकल रही है और एक आदमी एक गरीब आदमी जिसको आप देखेंगे कि फटा हुआ कपड़ा पहने हुआ है और वो रिक्शा चलाता है रिक्शा लेकर खड़ा है और और उसके बाद वो चिल्ला रहा है कि आएगा तो साइकिल ही यानी कि अखिलेश यादव जीतने वाले हैं उस रैली के सामने इस आदमी की हिम्मत देखिए समाजवादी के इस आदमी की हिम्मत देखिए कि इतनी बड़ी रैली के सामने वो आदमी चिल्लाकर कह रहा है कि आएगा तो साइकिल ही आप इस वीडियो को देखिए उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं साथियों देख लिया आपने ये हष्र है भारतीय जनता पार्टी का वाकई में अब भारतीय जनता पार्टी के दिन लद चुके हैं और ऐसा साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होती हुई नजर आ रही है ये जनता का रुख आपने वीडियोस तो देखे ही हम आपको ओपिनियन पोल भी दिखा देते हैं कई इस तरह के ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं वैसे गोदी मीडिया के जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं वो तो हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे हुए और ये सब आप जानते ही हैं कि गोदी मीडिया ऐसा क्यों कर रही है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटती है नरेंद्र मोदी के तलवे चाटती है एक जो ओपिनियन पोल आया है डी लाइव का उसने भी साफ साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है और वहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही है और इतना ही नहीं उस ओपिनियन पोल में जो पांच राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उन पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार रही है बुरी तरह से एक एक आद जगह ऐसी है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर तो होगी लेकिन जीत कांग्रेस की ही होने जा रही है सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की ही बात कर लेते हैं चूंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव की हम बात कर रहे हैं देखिए उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं हम सब जानते हैं वहां पर बीजेपी को 144 से 100 एक सौ बावन सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं इस डीबी लाइव के ओपिनियन पोल के हिसाब से वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 203 से 211 सीटें लेती हुई दिखाई पड़ रही हैं खैर बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस की बात क्या करें टक्कर तो असल में भारतीय जनता पार्टी की ही की और फिर समाजवादी पार्टी की है जिसमें समाजवादी पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जाती हुई नज़र आ रही है थोड़ा सा आपको और बता देते हैं दूसरे राज्यों की भी चूँकि अब जब चुनाव हारने की बात है भारतीय जनता पार्टी को तो बता ही दे कि कहां पर क्या हो रहा है उत्तराखंड में जो सत्तर सीट है वहां पर भी बीजेपी को कम सीटें हैं छब्बीस से अट्ठाईस सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस को चालीस से बयालीस सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं मणिपुर में टक्कर इसमें दिखाया जा रहा है कि मणिपुर में जो साठ सीटें हैं उसमें बीजेपी को बाईस से चौबीस सीटें और कांग्रेस को पच्चीस से सत्ताईस सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है गोवा में भी उत्तर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है इस ओपिनियन पोल के हिसाब से 40 सीटें हैं गो गोवा में उसमें भारतीय जनता पार्टी को 11 से 13 सीटें मिली थी मिलने जा रही हैं और कांग्रेस कौ, को 20 से 22 सीटें मिल रही हैं साथी और पंजाब में तो कांग्रेस की बंपर जीत होने जा रही है इस ओपिनियन पोल के हिसाब से जो सौ अड़सठ से कुल 117 सीट है जिसमें अड़सठ से 70 सीट कांग्रेस के नाम है आम आदमी पार्टी को 26 से 28 और जो अकाली दल वगैरह है वो सब खैर अलग कर दिए लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ पर चार से छः सीटें मिलती हुई दिखाई ऐसी पड़ रही हैं इस ओपिनियन पोल के हिसाब से तो अगर उत्तर प्रदेश के साथ साथ बाकी राज्यों की भी अगर बात करें तो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नजर आ रही है और यह सारे जो ओपिनियन पोल हैं हैं और जो जनता की प्रतिक्रियाएं उनको देखकर वाकई में महसूस होता है कि अब भारतीय जनता पार्टी से लोग घबरा चुके, चुके हैं और बेकरार बैठे हैं उन्हें हराने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को जनता हराने के लिए इतना बेकरार क्यों है इसकी वजह हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो सब तो टूटे ही टूटे हैं हर मोर्चे पर इनकी सरकार फेल हुई है चाहे वो कोरोना की महामारी में लड़ने महामारी से लड़ने का मसला हो चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो चाहे वो महंगाई का मसला हो चाहे वो चीन और भारत की सीमा के विवाद का मसला हो हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है देश दिन ब दिन गरीब होता चला गया इन नरेंद्र मोदी के पूंजीपति दोस्त अमीर होते हुए चले गए करप्शन तो बढ़ ही रहा है चारों तरफ उसके अलावा गरीबी भी, भी गरीबी भी पूरी तरह से देश में बढ़ती जा रही है और यही वजह है जी हाँ और यही वजह है कि अब जनता ने ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश हो या देश हो या देश का कोई भी राज्य हो वहां से भारतीय जनता पार्टी को, को उखाड़ कर फेंकना है